हेलो एंड वेलकम टू टॉप फॉर राउंड अप विद मैनेस इन द मॉन्क। यार वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करना, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल जाके सब्सक्राइब बटन को हिट करो। और आज हम बात करने वाले हैं इस हफ्ते क्या हुआ टॉप फोर में। तो मानस, हमने जो किया उसके बारे में तो हमने बात कर ली। एक और बार बोल ही देते हैं, हमने बहुत सॉलिड कांड किया है ये वीकेंड। हम फॉरेस्ट के अगेंस्ट हार गए, बट वो ही सैटरडे लेट नाइट वाज चेल्सी वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड। बहुत ही एपिक गेम था निधि, वो परफेक्ट रिजल्ट हुआ हमारे लिए। 1-1 खत्म हुआ। पूरा गेम काफी डल था, पर एंड में ही जाके पेनल्टी हुआ, जॉर्जिनो मारा, फिर कैसेमेरो। और फिर आई थिंक द बेस्ट पार्ट अबाउट दैट गेम निधि, वो था मोहक का रिएक्शन PG-13 ना। है लेकिन बहुत ही जबरदस्त रिएक्शन है। नॉट जस्ट दैट यार, स्पर्स ड्रॉप पॉइंट्स, न्यूकासल ऑफ कोर्स पिक्ड ऑल थ्री, बट आई थिंक बहुत मेजर अपॉर्चुनिटी हमने स्पॉन्डर की। सो बहुत, ट्रू। क्योंकि अगर तू इस हफ्ते के फिक्चर्स देखेगा तो जो चल रहा है, इफ यू लुक एट यू नो हुज प्लेइंग हु, मैन सिटी का मैच लेस्टर के साथ है, अवे है, ठीक है। स्पर्स आर प्लेइंग बोर्नमथ, अवे है, ठीक है। चेल्सी आर प्लेइंग ब्राइटन, अवे है, ठीक है। हम होम पे खेल रहे हैं, यूनाइटेड होम पे खेल रहा है और आर्सेनल होम पे खेल रहा है। हम यूनाइटेड किसके अगेंस्ट खेल रहा है? ऑफ कोर्स वी प्ले लीड्स, आर्सेनल प्लेइंग नॉटिंघम फॉरेस्ट एंड यूनाइटेड प्लेइंग वेस्ट हैम, ठीक है। तो ये फिक्चर्स हैं। अभी नेक्स्ट वीक के फिक्चर्स में जाने से पहले मैन यूनाइटेड और चेल्सी वाला मैच कैसा लगा तेरे को? यार वो तो फिक्सर ड्रॉ ही होता है हमेशा, ऐसे ही लगता है मेरे को। पहले से दोनों टीम को एक एक पॉइंट दे देना चाहिए, मतलब हाँ हमेशा ही ड्रॉ होता है। कैसेमीरो का इक्वलाइजर वाज वो टेनहाग एरा का वो दिखा मेरे को जज्बा उसमें। सो आई आई लाइक दैट एस्पेक्ट एज ए न्यूट्रल। न्यूकासल के बारे में अगर मैं बात करूं, न्यूकासल सिर्फ एक ही गेम हारा है ये सीजन, वो हमारे अगेंस्ट है। वो भी 98 मिनट में करवालियो मारा। न्यूकासल वाज सो गुड अगेंस्ट टॉटनम। टॉटनम का दिख रहा है निधि, दो अच्छी टीम आई सामने, यूनाइटेड और न्यूकासल, दे फॉल्टर्ड। यार, टॉटनम तो मतलब अच्छी टीम है, नो डाउट अबाउट इट। बट ये मैं काफी दिन से बोल रहा हूँ कि स्पर्स ना, उनका फुटबॉल उतना इम्प्रेसिव नहीं है। एंड आई डोंट मीन कि डिफेंसिव खेल रहे हैं, क्योंकि डिफेंसिव खेल सकते हैं, नो प्रॉब्लम, वो कॉन्टे खेलता भी है, वो सारी चीजें मैं मानता हूँ। बट आई जस्ट फील कि उनका उनके परफॉर्मेंसेस उतने कन्विंसिंग नहीं है। आर्सेनल ऑल्सो ड्रॉप पॉइंट्स भाई, हाँ ये भी एक बड़ी न्यूज है। ये आजकल इस प्रीमियर लीग सीजन तो ये नहीं हो रहा है, लेकिन आर्सेनल हाँ ऑल्सो ड्रॉप पॉइंट्स। वो मैच देखा कि नहीं? क्यों? साउथहैम्पटन के अगेंस्ट आर्सेनल ड्रॉप पॉइंट्स, और साउथहैम्पटन इज आवर लास्ट गेम बिफोर द वर्ल्ड कप। सो हम टॉटनम को खेल रहे हैं, आर्सेनल को खेल रहे हैं, हम नेक्स्ट लीड्स खेल रहे हैं। निधि निधि फिर एक काम करते हैं, इतने दूसरों के बारे में तो बात की, चेल्सी तो अच्छा ही खेल रहा है, पॉटर के अंडर, टेनहाग के अंदर जज्बा दिख रहा है। स्पोर्ट्स के बारे में बात कर ली, फुलम आ गया बीच में। सोच, मतलब फुलम जब ये सीजन स्टार्ट हुआ था तो सब लोग यही बोल रहे थे कि अरे ये तो यो-यो टीम है, ये तो नीचे चले जाएंगे। दे सिट 2 पॉइंट्स अबव अस, लीड्स को भी हराया, ठीक है। फुलम आर प्लेइंग सम मिट्रोविच, बेसिकली चैंपियनशिप का बेंजिमा है वो अब तो। मतलब उस गोल, प्रीमियर लीग में भी कर रहा है। हाँ अब तो प्रेम, वही मैं बोलने वाला था, चैंपियनशिप का बेंजिमा तो है ही, अभी तो प्रीमियर लीग में भी कर रहा है भाई। ये सीजन ना टॉप 4 बहुत ही मतलब मारामारी होने वाला है। वी जस्ट हैव टू मेक श्योर दैट वी आर इन टचिंग डिस्टेंस, क्योंकि अगर अपन हक दिए ना, अगर अपन नहीं ढंग से खेले तो इट इज गोइंग टू बी अ डिजास्टर। मेरे हम्बल ओपिनियन में निधि, अगर हम लोग नेक्स्ट 3 गेम्स में पॉइंट्स ड्रॉप करें तो एक भी यस, आई थिंक स्पेशली टॉटनम के अगेंस्ट, अगर हम टॉटनम के अगेंस्ट हार गए सपोजिटली, तो टॉटनम विल गेन द वो 6 पॉइंटर वाला सीन होता है ना, वैसा वाला फीलिंग आ रहा है। लीड्स है, फिर टॉटनम है, फिर साउथहैम्पटन है, सैंडविच बिटवीन टू चैंपियंस लीग फिक्चर जो बहुत क्रूशियल हो सकते हैं। तो हाँ वही बात, वही है कि यार देख, मतलब अभी ना कॉन्फिडेंस इतना लो है
कि अब आयाक्स अवे से मेरे को पता है वी ओनली नीड अ पॉइंट, और हमको मतलब दोनों में से एक भी मैच जीतने की जरूरत नहीं, एक मैच ड्रॉ भी कर लिया तो हमारे लिए इनफ है। जस्ट टू एंड दिस, क्या लग रहा है बिफोर वी, बिकॉज आर नेक्स्ट गेम इज अगेंस्ट आयाक्स अवे है, वो क्या लग रहा है तेरे को सीन? मैं सिर्फ यही होप कर रहा हूँ थियागो का कान ठीक हो गया हो, नूनेज नूनेज का जो भी इंजरी ठीक हो गया हो, और तो हम लोग में थोड़ी तो क्रिएटिविटी रहे। मैं सिर्फ यही पहले होप कर रहा हूँ पहले, बिकॉज नूनेज की वो अनप्रिडिक्टेबिलिटी, ऊपर थियागो इन मिडफील्ड मस्ट। मैं लीड्स के बारे में सोच भी नहीं रहा, मैं पहले ये सोच रहा हूँ कि आयाक्स के अगेंस्ट पॉइंट ले लो भाई, खत्म कर दो वो टेंशन, एक टेंशन निकल जाए, ताकि वर्ल्ड कप के बाद देयर समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू, यू नो। मतलब अदरवाइज बहुत डिप्रेसिंग हो जाएगा, अदरवाइज हाँ, बहुत डिप्रेसिंग हो जाएगा। ENT स्पेशलिस्ट के पास मतलब लेके जाओ थियागो को, ASAP करवा दो ठीक जो भी है, और उसके उसको खिलाफ बोलो कान में उंगली करना बंद करे, वो यूजुअली मतलब सब कुछ किया उसने, क्या पता नहीं है ईयर इन्फेक्शन क्या होता है यार, मतलब समझ नहीं आ रहा है मेरे को। एनीवे यार देखो, अब नेक्स्ट मैच है आयाक्स के साथ, मतलब ये बोलना तो बहुत ही क्लीशेड होगा कि इम्पोर्टेंट मैच है, मतलब एज जैकी श्रॉफ वुड से लगे पड़े, तो अबाउ वो मैच असली अब पे, हाँ हम अबाउ असली अब पे। असली पे हम आना ही पड़ेगा। तो यार वो मैच का वॉच अलोंग हम ट्राई करेंगे, बिल्कुल कोशिश करेंगे वॉच अलोंग भी करने का। बाकी आप हमको कमेंट सेक्शन में बताइए आप क्या सोच रहे हो टॉप 4 के बारे में, आप हु डू यू थिंक इज इमर्जिंग द स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडिडेट्स। बाकी लिवरपूल वीडियोस तो हम बनाते रहेंगे चैनल पे। चीयर्स एंड अप द रेड्स। अरे अरे अरे।